हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है दिन संडे, हैप्पी संडे सबको। अभी सो के आ रही हूँ, जस्ट उठ के चली आ रही हूँ, तो अजीब सा लग रहा है। मतलब थोड़ी देर हो गई उठे हुए, क्योंकि अयान उठ जाता है 4 साढ़े 4 बजे। दूध पी के सो गया, थोड़ी देर मैं लेटी रही, फिर उठ के आई हूँ। टाइम हो गया है सुबह का, 5 बज गया है। क्या हुआ? ताला तो तुम बाहर से ही लगा गए हो, फिर क्यों बजा रहे हो बेल? आज सुबह 5 बजे ये भी उठ गए हैं। संडे के दिन इनके लिए 5 बजे उठना बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज ये पूरा दिन बाहर नहीं जाएंगे, तो ये सुबह सुबह जाके दूध लेके आ गए हैं। अब घर पे छोटा बच्चा है तो दूध भी बहुत ज़रूरी है। सुबह उठने के बाद सीधा काम में मैं कभी नहीं लगती हूँ। मैंने पहले 2 गिलास गुनगुना पानी पिया है, उसके बाद जा रही हूँ अपना फेस वॉश करने। और सुबह के टाइम जब मैं अपना फेस वॉश करती हूँ तो ठंडे ठंडे पानी से मैं अपने चेहरे पर खूब छींटे मारती हूँ। उससे ना एक फ्रेशनेस आती है, एक पॉजिटिविटी आती है। एक सुबह का ही टाइम होता है, आधे घंटे समझ लो, 15 मिनट 20 मिनट जितना निकाल पाओ आप, वो अपने लिए टाइम होता है। बहुत फ्रेश फ्रेश फील होता है इस तरीके से मुझे करके। और उस टाइम ना पूरी शांति रहती है, ना कोई शोरगोल, ना कुछ भी नहीं रहता है, मन एकदम शांत रहता है उस टाइम। ये है ना कि आपकी एक सुबह अच्छी हो गई ना, तो पूरा दिन तो अपने आप ही अच्छा रहेगा। अगर आप लेट उठते हो ना, तो सारे काम लेट होते जाते हैं, फिर क्या है, दिमाग में एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और जब हम सुबह सुबह उठ जाते हैं ना, तो हमारे पास काम के लिए, अपने लिए, फैमिली के लिए बहुत टाइम रहता है। इसलिए सुबह का थोड़ा सा आलस छोड़ के जल्दी उठ जाना तो बहुत सही रहता है। मैं कभी भी अपने घड़ी में या मोबाइल में अलार्म नहीं लगाती हूँ। मेरे दिमाग में एक अलार्म फिट रहता है कि हाँ, आज टाइम उठना है तो उठना है, तो मैं उस टाइम उठ जाती हूँ। थोड़े से हमारे अयान भी इस काम में चतुर हैं, वो भी उठा देते हैं। और यहाँ पे ये मैंने चावल और आटे की बोरी सेट की है ऊपर, और यहाँ थोड़ा सा गंदा हो गया था तो मैंने ये कपड़े से झाड़ दिया है, क्योंकि इस टाइम पे आराम से झाड़ पोछ सकती हूँ, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। और थोड़ा देर मैं अपनी बालकनी में भी बैठ जाती हूँ जब मुझे टाइम रहता है, क्योंकि उस समय ना कौवे चिड़िया सुबह सुबह बोल रही होती है ना, तो मन एकदम खुश हो जाता है। घर की सफाई हो चुकी है, सिर्फ बालकनी रह गई थी। और ये करते करते मुझे 6:30 बज गया है, और भाभी अपना मॉप दिखा रही है बगल में जो रहती हैं, कि ये 560 रुपये का लेके आई हैं। इसमें एक बकेट फ्री मिली है और काफ़ी अच्छा है, इसमें 2 मॉप मिले हुए हैं, डी मार्ट से लेके आई हैं, तो मैं वही देख रही थी। और ये कल यूज़ भी कर चुकी हैं। अयान से गुड मॉर्निंग, अयान से गुड मॉर्निंग, कहते गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सो के अभी वो चीज़ों को ढूंढने में लगा है, कहाँ क्या मेरा, कहाँ खिलौना कहाँ पड़ा है, इनने क्या उठाया है, क्या रख दिया है। अभी उसको गुड मॉर्निंग कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। सफाई करते करते मम्मा ने सामान फेंक दिया। तुमको की मिल गई, पहले गुड मॉर्निंग बोलो, नहीं बाद में सामान ढूंढ लेना अपना। गुड मॉर्निंग। तो मैंने यहाँ पे सबकी सुबह की चाय रख दी है, साथ में ही दूध रख दिया है बॉईल होने के लिए। और ये 3 पैकेट लेके आते हैं, 1.5 लीटर दूध आता है मेरे यहाँ पूरे दिन के लिए। तो सब लोग जग चुके हैं। सुबह मैं बिना नहाए चाय पी लेती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेती हूँ, बाकी सब नहा के ही लेती हूँ, भले ही मैं देर से कितना भी लेट हो जाए मुझे काम करते हुए। और यहाँ पर आज संडे है, तो अयान के पापा के ये सारे पूरे हफ्ते के कपड़े हैं जो मैंने निकाले हैं ऑफ़िस के। मैं इनकी आस्तीन सीधी कर रही हूँ, इनकी पॉकेट चेक कर रही हूँ कहीं कुछ है तो नहीं। तो ये सब काम निपटाने के बाद अब मैं आई हूँ नहा के नाश्ता बनाने। इनके कपड़े धुल चुके हैं, मेरा नहाना धोना पूजा पाठ सब हो गया है। और आज मैं बना रही हूँ इडली, इसके लिए मैंने ली है इडली रवा, जितना मैंने दिखाया था अभी, ये जो मैंने बाउल में डाला है, साथ में ही मैंने डाला है इसमें दही। और दही डाल के इसमें डालना है थोड़ा थोड़ा करके पानी, ये जो मैंने कटोरी में पानी रखा है इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके मिलाती जाऊँगी और डालती जाऊँगी, क्योंकि इडली जो है पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, सोखता है, लेकिन इतना भी नहीं डालना है कि इडली स्टैंड में फिल करते ना बने। तो आराम से ही पानी डालो, क्योंकि कम रहा तो दोबारा डाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा हो गया तो मामला ख़राब हो जाएगा। और ये स्टैंड काफ़ी दिनों का रखा हुआ है, क्योंकि डेली तो मैं इडली बनाती नहीं हूँ, इसलिए मैंने इसको पहले माज लिया है, क्योंकि बंद रखा रहा है ऊपर।
और इडली रवा को मैंने 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। तब तक मैं कुछ पीछे के काम कर रही थी, तो वो रेस्ट कर चुका है, अच्छे से फूल गया है रवा। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो स्टैंड है इनमें अच्छे से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा दे रही हूँ ताकि इडली निकालने में आसानी रहे। उसके बाद मैं सबको फिल कर दूँगी। और जो कुकर है उसमें मैंने एक गिलास पानी भर के रख दिया है, बड़ा वाला गिलास। ये देखिए सूजी अच्छे से तैयार हो चुकी है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ मैंने इसमें क्या क्या डाला था, शायद कुछ भूल गई हूँ। तो इसमें मैंने दही डाला था, इडली रवा डाला था और थोड़ा सा नमक डाला था, शायद नमक भूल गई थी मैं बताना, तो थोड़ा सा नमक डाला था। और बस इनको फिल करके स्टैंड को लगा दिया है मैंने कुकर में, और इसका बंद कर देंगे अच्छे से ढक्कन ताकि बीच में कहीं ना निकल जाए गैस बन के। और गैस को कर दिया है मैंने मीडियम फ्लेम पे ताकि आराम से पकते रहें। और साथ में ही मैं बना रही हूँ मूंगफली की चटनी, क्योंकि नारियल नहीं मंगाया है मैंने, आज बाहर नहीं जाना है। पहले मुझे याद नहीं था कि मैं नाश्ते में क्या बनाऊँगी, इसलिए यहाँ पे मूंगफली के दाने लिए हैं मैंने। और उसमें डाली हैं 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसको पीस लेंगे। और मूंगफली की चटनी बहुत अच्छी लगती है, जैसी नारियल की लगती है टेस्ट वैसा ही आता है, और ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसको बनाना भी बहुत ईजी है, नारियल को छीलते हैं, निकालते हैं, तोड़ते हैं और ये फटाफट तैयार हो जाती है। बस इसको क्या करना है, पीस देना है। तो यहाँ पे ये अच्छी सी स्मूथ सी देखिए मूंगफली की चटनी तैयार हो गई है, ये देखिए। और इसमें जितना ये नीचे का निकालते नहीं बनेगा, इसको मैं पानी डाल के निकाल दूंगी, क्योंकि ये वैसे भी थोड़ा सा गाढ़ी हो रही है। और जब मूंगफली को पीसते हैं ना तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके कई बार पानी डालना पड़ता है, क्योंकि मूंगफली बहुत जल्दी वैसी हो जाती है, मतलब पानी ज़्यादा सोखती है। तो यहाँ पे इसको मैंने पतला कर दिया है। और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ चटनी में तड़का। तड़के के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल गरम किया है, इसमें डाले हैं मैंने थोड़ी सी राई, और उसके बाद में डाले थे करी पत्ता धुल के, और बस यहाँ लगा दिया फाइनली तड़का। तो मेरी चटनी तैयार हो गई है, इडली बनने वाली है। और ये बहुत सिंपल इडली है, जब आपके पास नाश्ता बनाने का ज़्यादा टाइम नहीं है ना, ये सच में अगर आप बनाते रहते हैं ना तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट लगेंगे। बस हाँ, इडली को रेस्ट करने के लिए पहले से छोड़ दो, बस उसके बाद क्या करना है, फिल करना है, रख देना। ये सबसे ईजी वाली इडली है। वैसे तो मैंने एक बार वेजिटेबल वाली भी बनाई थी जिसमें वेजिटेबल्स डाले थे बहुत सारे, लेकिन ये एकदम सिंपल है, क्योंकि नाश्ता कभी कभी बिना मसालों का और इस तरीके से बनाया जाए जो हेल्दी भी हो और खाने में भी अच्छा लगे, तो ये सबके लिए अच्छा रहता है, इसको बच्चे भी खा सकते हैं आराम से। और यहाँ पे रखी हुई थी मेरी शाम की थोड़ी सी सब्जी, तो मैंने इसको ऑयल गरम करके डाल दिया कढ़ाई में, इसको बना दी मैंने सूखी सब्जी, और इसमें डाल दिए धनिया के पत्ते। और यहाँ पे ले लिए कुछ खड़े मसाले, खड़े मसाले में क्या क्या है, जीरा है, सौंफ है, खड़ी वाली धनिया है, इनको सबको चटका के अच्छे से भून लिया है और उसके बाद कूट लिया है। ये सब मैं कर क्या रही हूँ ये तो बता दूँ, जब तक मेरी इडली पक रही है तब तक मैं कर ले रही हूँ साथ ही साथ में लंच की तैयारी। और मैंने आलू बॉईल नहीं किया है शिमला मिर्च के लिए, थोड़ी सी सूखी सब्जी थी उसको सूखा कर लिया, 2 आलू बॉईल रखे थे उनको भी इसमें तोड़ लिया, और बाकी के मैं अब इसमें सूखे मसाले डाल दूंगी, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, गरम मसाला, जो जो डालते हैं हल्दी पाउडर। और धनिया थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाली है, अगर आलू में थोड़ा सा भी गीलापन है ना, ये सब्जी की आलू सुखाई है क्योंकि मैंने, तो ये थोड़ा और सूख जाएगी। और ये सब्जी आलू मटर टमाटर की थी जो आलू बॉईल करके बनाते हैं, तो आज मैं जो शिमला मिर्च बनाने जा रही हूँ ना, सच में ये बहुत टेस्टी बनते हैं, और ये बहुत जुगाड़ू शिमला मिर्च हैं। और जितने भुने हुए कुटे हुए मसाले मैंने बनाए थे वो सब डाल दिए हैं, इसमें सारा टेस्ट जो आएगा जो भून के कूट के मसाले डाले हैं ना उससे आएगा। और ये शिमला मिर्च इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी ज़्यादा जो जुगाड़ से बनाई है मैंने। इस तरीके से अगर सब्जी बच जाती है तो उसको यूज़ कर लो आप, और थोड़ा सा उसमें और मेहनत कर दो, मसाले कूट के डाल दो। अगर आलू बॉईल करके बनाते हो तब भी ये वाले मसाले कूट के डाल सकते हो। तो मैंने शिमला मिर्च फिल करके रख दी है, और यहाँ पे 20 से 25 मिनट हो गए हैं, मेरी इडली भी पक चुकी है, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया इन्होंने। अब मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये थोड़ा सा ठंडे हो जाए, तभी ये चाकू से निकालती बनेंगी। और यहाँ पे मैं शिमला मिर्च को फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि इनकी सारी तैयारी हो गई, सिर्फ इनको फ्राई करना रह गया है। हाँ, एक चीज़ और, मैंने इसमें नमक बहुत कम डाला था क्योंकि सब्जी में पहले से नमक था। और आप में से किसी ने कमेंट भी किया था कि दी शिमला मिर्च की रेसिपी शेयर कीजिए, तो ये इस तरीके से जो शिमला मिर्च बनते हैं ना बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा। इसमें क्या किया है मैंने, मसाले सब वही डाले हैं, बस थोड़ा सा मसाले भून के डाल दिए हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सब्जी हो घर पे तभी बनाए, आलू बॉयल करके डाल दो, लेकिन मैंने आलू बर्बाद नहीं किए, सब्जी मुझे बर्बाद नहीं करनी थी। कोई भी खाना बचे, एक भी खाने का दाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाना बर्बाद करना सबसे गलत माना जाता है।
और यहाँ पे मेरी ये इडली तैयार हो गई है, मैंने निकाल दी है एक एक इडली, कितने अच्छे से निकली आप देख सकते हो, कितने अच्छे से फूली है। जब कोई खाना देखने में अच्छा लगता है तो खाने में जाहिर सी बात है अच्छा होगा। तो ये हमारा सिंपल सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया, साथ में मैंने लंच भी तैयार कर लिया है और खाने वाले नहा धो के आके बैठ भी गए हैं और ये पूरी प्लेट की प्लेट खा जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे कि अच्छा बना है। तो बस ये वही कहने में लगी हुई, क्या बनाया है, कैसा बनाया है। आप लोग भी आ जाइए संडे का ब्रेकफास्ट करने के लिए हमारे साथ में, और सच में सिंपल सिंपल बनाई है तो बहुत टेस्टी लग रही है, इसको आराम से आप खा सकते हैं। और शिमला मिर्च को मैं बीच बीच में पलटती रही थी तो ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए मैंने प्लेट में अलग से निकाल दिए ताकि जो इतना भी जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है इसका वो कढ़ाई में ही रह गया है। शिमला मिर्च जब फ्राई करते हैं तो थोड़ा सा तेल ज़्यादा डालना ही पड़ता है, वरना आप चारों तरफ से फ्राई नहीं कर पाओगे क्योंकि वो मोटी मोटी होती हैं, इसलिए उनका तेल बाद में अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा लंच भी बन गया है, ब्रेकफास्ट भी हो गया है। देखा जुगाड़ से जो चीज़ें घर पे पड़ी हैं, इडली रवा पड़ा था, मूंगफली पड़ी थी, दही रखा था तो उसी में नाश्ता बन गया, सब्जी बची थी तो उसी में से सब्जी बना ली। तो इस तरीके से मेरे दोनों काम हो गए। यहाँ पे मैंने फाइनली बर्तन वगैरह भी अपने साफ़ कर लिए हैं, और जब हम सुबह सुबह उठते हैं ना तो हमारा माइंड पूरे दिन बहुत अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है, और हमें अपने लिए करने की ज़रूरत भी है। ज़रूरी नहीं है कि हम ससुराल में तभी जल्दी उठें, ये हम अपने लिए कर रहे हैं, अपनी खुद के लिए कर रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है ये करना। अब ये वाला ब्लॉग मैं यही एंड करने जा रही हूँ, इस ब्लॉग से यही बोलूंगी बाय बाय आप लोगों को। और ये देखिए घुमा रहे हैं अयान को, आज छुट्टी का भरपूर आनंद ले रहे, घर पे यही काम कर सकते हो तुम, और कुछ तो कर नहीं सकते हो। सुबह से लगे पड़े हैं, थक गए काम कर करके, और यहाँ पे पूरा सन्नाटा है रोड में। आज देखो सिर्फ कौवे बगले यही बोल रहे हैं, रोड में एक इंसान नहीं दिखेगा, एक भी गाड़ी टैक्सी मोटर कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो चलिए इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ में, ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बी हेल्थी, बी हैप्पी। और आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।